वेलकम बैक टू माय चैनल कुक एट होम। मैं रुमाना खान आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ स्टफ्ड बनाना। स्टफ्ड बनाना ये बहुत ही अच्छी और यूनिक रेसिपी है। इसके लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए होगा नारियल। ये मैंने सूखा नारियल लिया है और इसे ग्रेट कर लिया है। ये आप देखिए हमें चाहिए होगा ये 1 कप। उसके बाद हमें चाहिए होगा यहाँ पर हनी। ये मैं यहाँ पर पतंजलि हनी यूज कर रही हूँ, आप कोई भी हनी यूज कर सकते हैं हनी। उसके बाद हमें चाहिए होंगे केले। ये आप देखिए गाइज, ये केले जो हैं ये थोड़े आप लंबे और मोटे लीजिएगा, तभी इनके अंदर स्टफिंग हो पाएगी, अदरवाइज ये खराब हो जाएंगे। उसके बाद हमें चाहिए होगा यहाँ पर पिस्ता। ये देखिए आप, ये मैंने 2.5 से 3 टीस्पून पिस्ता जो है क्रश कर लिया है, और ये हमें चाहिए होगा क्रश पिस्ता। उसके बाद हम यहाँ पर ले रहे हैं चीनी। ये मैंने लिया है 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी, आप सिंपल भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए होगा गुड़। ये देखिए मैंने 3 से 4 टीस्पून यहाँ पर गुड़ लिया है, इसे भी मैंने ग्रेट कर लिया है। उसके बाद हमें चाहिए होगा यहाँ पर इलायची पाउडर, ये हमें चाहिए होगा 1/2 टीस्पून। उसके बाद हमें चाहिए होगा घी, ये मैं देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ, ये भी हमें चाहिए होगा 1 टीस्पून। और इसको सजाने के लिए हमें चाहिए होगा चॉकलेट सिरप। तो चलिए मैं बताती हूँ किसे बनाना कैसे है। ये देखिए आप, सबसे पहले हमने एक बाउल लिया है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे सबसे पहले अपना हनी 2 टीस्पून। बाद ऐड करेंगे हम अपना गुड़। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने पिस्ता, इलायची पाउडर और कद्दूकस नारियल। सारा सामान डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स, और अब हमारी स्टफिंग हो जाएगी तैयार। देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये हमारी स्टफिंग यहाँ पर तैयार है। और अब हम मैं आपको बताती हूँ कि हमें बनाना को कैसे स्लिट करना है। ये देखिए मैंने केलों को यहाँ पर सबसे पहले छील लिया है, और अब मैं ये केला ले रही हूँ यहाँ पर, और इसे हम बिल्कुल बीच में से काट देंगे। देखिए, और फिर अब आप देखिए हमें इसे ऐसे लेना है और इसे बीच में से स्लिट करना है। ये ध्यान से देखिए आप, पहले एक और फिर ये दूसरा, ऐसे करके हमें इसमें स्लिट करना है और इसे बीच के हिस्से को रिमूव कर देना है ताकि इसमें जगह हो जाए स्टफिंग के लिए। और ये देखिए इसे ऐसे हम रिमूव कर देंगे बीच में से, और ये इसमें ऐसे जगह हो जाएगी स्टफिंग के लिए। इसी तरीके से हम सब केलों को स्लिट कर लेंगे। ये देखिए हमने सारे बनाना स्लिट कर लिए हैं, और हम इसमें से एक बनाना लेंगे ऐसे, और फिर हमें लेनी है स्टफिंग। ये देखिए, और स्टफिंग हम इसमें से हाथ से थोड़ी सी लेंगे और इसमें बीच में हम स्टफ कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल जेंटली करना है आपको, और इसमें ऐसे ही आपको स्टफिंग कर देनी है, और हाथों की मदद से इसे थोड़ा दबा दें। ये देखिए, और इसी तरीके से आप सारे बनानास को स्टफ कर लें। हमने सारे बनानास यहाँ पर स्टफ कर लिए हैं, और अब हम चलते हैं हमारे पैन की तरफ। देखिए हम यहाँ पर एक नॉनस्टिक पैन यूज कर रहे हैं, और हमने इसे गरम कर लिया है, और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपना घी। और जैसे ही घी मेल्ट होने लगेगा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे शुगर। ये हमारा मेल्ट हो चुका है, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपनी शुगर। और ये शुगर देखिए एकदम से पिघलनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही पिघलनी स्टार्ट होगी, कैरमलाइज होगी, हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपने बनानास। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने बनानास 1 बाय 1, इसमें प्लेस कर देंगे हम। और अब हम इसे लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे। ये देखिए हमारे ये बनानास पर लाइट ब्राउन कलर आ चुका है, ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है। और ऐसे ही अब हम अपने सारे बनानास को यहाँ पर टर्न कर देंगे, और इनमें ये देखिए ब्राउन कलर आ चुका है, ऐसे ही हमें करना है। और अब हम इनके कर देंगे प्लेटिंग, और अब हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे अपना चॉकलेट सिरप, ड्रिजल कर देंगे हम इसके ऊपर। ये हमारी इंटरनेशनल यूनिक एंड यमी रेसिपी स्टफ्ड बनाने की यहाँ पर रेडी हो चुकी है। गाइज अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो गिव इट अ थम्स अप, और इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरी वीडियो को। और गाइज मुझे अपना बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दें, और ऐसे ही मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।